दोस्तों, साल में पड़ने वाले सभी प्रदोष व्रत की तरह ही सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत पर विधिवत पूजा पाठ करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि सोम प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन पर भक्त भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं और शिवालय जाते हैं। इस बार सोम प्रदोष व्रत 20 मई 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार के दिन पड़ने की वजह से ही इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक बेहद महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। ये व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को सोमवार को ही रखा जाता है। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए एक उत्तम साधन माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया जाए तो भगवान शिव भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब ऐसे में आइए जानते हैं कि सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर हमें क्या चढ़ाने से लाभ हो सकता है। अगर हमें कार्यक्षेत्र में सफलता चाहिए, अगर आपको मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और साथ ही बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर अक्षत और शहद अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है और साथ ही धन लाभ के योग भी बनते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए चढ़ाएं काले तिल। अगर पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर काले तिल जरूर चढ़ाने चाहिए। मान्यता है कि इससे व्यक्ति पितृदोष से मुक्त हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको कड़ी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी सताती है और मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता है तो सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आपको लाभ हो सकता है। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप पुराने कर्ज से परेशान हैं या फिर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है तो सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर दही जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है और वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है तो सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे लाभ होगा और साथ ही व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव।